चिंतकों ने कहा है कि इस संसार के सारे संकट हैं मनुष्य निर्मित, पर हम पंगु हैं। भाषा में उनकी पहचान अब संभव नहीं। धर्म, जाति, कुल, वंश, देश, भाषा, समाज, हैसियत से परे अब उसकी पहचान वो भाषा में समाता ही नहीं। कलाकारों ने कहा कि आकार प्रकार दिखाई नहीं देता, शत्रु है अगोचर। वो रूप में अब बंधता नहीं, वो कभी विचारों से उठता है, कभी इरादों से, कभी त्वचा की सूक्ष्म रंध्रों से। कवि ने कहा कि सारे अतीत राजनीतिक हैं और वर्तमान भी राजनीतिक हैं। ऊपर आकाश में चमकता चंद्रमा भी राजनीतिक है। राजनीतिक हैं आकाश, धूप, परछाइयां, नदी, पोखर, पहाड़, हरियाली और आदिवासी भी राजनीतिक हैं। खामोशियों में किए गए एकालाप भी राजनीतिक हैं। हम हैं सिर्फ एक कच्चा माल उनके लिए। रोग, जीवाणु, औषधियां, प्रयोगशालाएं सब राजनीतिक हैं। चिल्लाता है कोई ईरान से, कोई बल्गारिया से कि जो सेफ्टी किट भेजा गया है वो नकली है। त्वचा की भी इस तरह से एक राजनीति है। सैनिटाइजर नहीं बचे थे अब। चिंतकों, लेखकों, कलाकारों, कवियों, बौद्धिकों, तुम अमर रहो, तुम अमर रहो, तुम्हारी जन्म शताब्दियाँ मनाई जाती रहें। पिछले युगों के तरह से निर्विघ्न तुम्हारी मेजों पर जीवन और मृत्यु के सवाल जमा रहे। सारे शब्दकोश, पैमाने, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ध्वनियाँ, प्रतिध्वनियाँ, मुहावरे, तर्कों के विश्लेषण और कल्पनाएं भी थोड़ी बहुत तुम्हारी मेजों पर जमा रहे। इस बीच जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होते जा रहे थे, थोड़े से भोजन, थोड़ी सी सांसें, थोड़ी सी नींद और 10x10 की खोलियों में 8-10 ठूसे हुए लोगों के उदास चेहरों के बीच से घर की ओर लौटते नंगे पैर थे। भूख और जिल्लत की रोटियां थी। घर पर 6 महीने के बच्चियों को छोड़ आई कुछ नर्सें थी। एक सफाई कर्मचारी था गली में झाड़ू लगाता हुआ अकेला। इनके आंसू छिप जाते थे सेफ्टी मास्कों के पीछे। चैनलों पर नाच गानों के बगल में और सलमान खान, कैटरीना कैफ और कपिल शर्मा के बगल में रोज मरने वालों के आंकड़े मेरे समय की सबसे बड़ी खबर थी। और मृतकों की संख्याएं वे रोज पहले से ज्यादा थी उत्तेजक। रोज एक विकराल और शोर शराबे में मनाया जाता था मृत्यु का महोत्सव एक अलग तरीके से। रोज एक नई दिलचस्पी का सामान जुटाया जाता था कितनी मेहनत से। किसी ने कहा कि बहुत कुछ घट रहा है और कुछ सिद्ध नहीं होता। आकाश अपराध बोध से घिरा है। इतिहास के अंत और सभ्यताओं की संघर्ष की घोषणा वाली वो किताब धूल चाट रही है कहीं। और एक वायरस खोजता फिर रहा है सैमुअल हटिंगटन की कब्र को, वुहान से मिलान तक, न्यूयॉर्क से ईरान तक। समय के इस अज्ञात को कहां पकड़ा जा सकता था? कहां था उसका ठिकाना? कौन से पते और कौन से पिन कोड पर? एक वरिष्ठ कवि कह गया कि संसार की सभ्यताएं अपने अंतिम दिन गिन रही हैं। दूसरा वरिष्ठ कवि जाते जाते कह गया कि मुझे विश्वास है ये पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में ये पृथ्वी रहेगी। मैं अपने वरिष्ठ कवियों के अस्थि कलशों को स्पर्श करना चाहता हूँ और संसार के सारे म्यूजियम फिलवक्त लॉकडाउन के घेराबंदी में हैं।